नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो नीचे दिखाओ, ये इनको दिखाओ। ये देखें, आवाम मेरे साथ आ गई है। जिस तरह से आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, मैंने टोटली व्लॉग बच्चों का बनाया था। इनकी थोड़ी थोड़ी सी मस्तियाँ जो इन्होंने उस दिन किया था, रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर की थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें। और फिर अपनी आवाम मेरे साथ फिर खड़ी होगी कि हमारी वीडियो बनाओ। मोहम्मद हैदर कह रहे बाबू मेरी वीडियो बनाए, इसको देखें आओ। इंस्टाग्राम को देखें। हाय गाइस, आज जो है थंबनेल और टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो जाने हो गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। और अभी जो है मैं अपनी अम्मा के साथ प्रैंक करने लगी हूँ। वो अभी कमरे में है, उनको नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इस टाइम हो रहा है रात का तकरीबन 1 बज रहा है और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उनके साथ प्रैंक करूँ। हाँ जी, तो प्रैंक मेरा ये है कि मैंने थोड़ा सा ना हाथ कट गया मेरा, ये वाला मैंने प्रैंक करना है। अभी मैंने रैंडम व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी हम चलते हैं मम्मा के पास और उनको दिखाते हैं, करते हैं। एक तरह से उनको ये भी आइडिया हो जाए कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, ताकि वीडियो अगर बन भी रही हो कहीं उनको नज़र आ भी जाए तो इतना ना हो, उनको पता ना चले कि ये प्रैंक है या रियल है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सब कुछ रियल रियल फील करूँ। अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ। करना मैंने ये कि मेरे पास कलर पड़ा हुआ है रेड कलर, वो मैंने अपने हाथों पे लगा लेने, नाइफ को लगा लेने। अब मैंने कहना है कि मैं कुछ बना रही थी और इसी तरह का ना, तो मेरा ना कट लग गया है। मेरे साथ देगी कैमरा गर्ल और अब हम देखते हैं क्या करते हैं। लोकेशन ढूंढते हैं, मोबाइल को किस तरह से एडजस्ट करने का, इसको पकड़ाऊंगी या फिर मैं कहीं ना कहीं छुपाऊंगी। सो स्टे ट्यून रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बताएं क्या चाहिए गाइस को, शाम करो। ईद मालक तो नहीं है, कुछ कैसे हैं आप सब? ठीक है, बोलो गाइस को, बोलो जाके मेरा व्लॉग देखें। बोलो, मैंने हम गंजी हो गई थी, मैंने आपको दिखाया था। हाँ माँ, ये गंजी हुई बैठी है ना, फर्स्ट डे पे हमने आपको दिखाया था माँ कैसे गंजी हुई थी। बोलो देखें, लाइक करें मेरे व्लॉग को, कमेंट करें, कैसा लगा था आपको? गाइस कहाँ करें, दादामी पास चले, आ दो आ दो आ दो आ दो आ दो आ दो, दादामी लो, नॉक करो नॉक करो। हाय हेलो जी अम्मा। हाय हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने अभी आपको बाहर मैंने हशर दिखाया गाइस को, लास्ट व्लॉग बनाया ना बच्चों का, अभी हैदर भी आ गया था। अभी दादा वो देखो क्या कह रही है, हाँ। ये दादा अम्मी की शूज है, दादा अम्मी का है। हाँ ये क्या है, वो अंदर घुसा रही है। अम्मी दादा, अम्मी दादा, कभी कहती है अम्मी कभी कहती है दादा। क्या हाल है, ठीक है? आप लोग भी कहते होंगे कि हर टाइम पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। ये हकीकत है कि 16 डिग्री पे एसी चला के पड़ी रहती है, लानत है। 16 साथ में ग्रीन टी भी पी रही होती है, साथ में ड्रामा भी चल रहा होता है। कहाँ है ड्रामा चल रहा है ना, वो बंद कर दिया हमने। कहाँ दिखाऊं, ड्रामा देखती है फिर ड्रामा करती है। स्क्रीन पे अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ फिर तो मुझे पता है ना, मैंने रियलिटी बताई है। मैं देखती नहीं हूँ, तुम्हें पता है अच्छे से, ये तुम्हें पता है। ये क्या बातें कर रही है अम्मा, कौन सा ये? आ जाओ, अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा ऐसे बच्चों को लेंगे लॉन्ग ड्राइव पे आउटिंग में, मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग अभी बना। कौन 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 जा रहे हैं? मैं, भाई और बच्चे कहीं जा रहे हैं। हां मुझे भी लेके जाते हैं। नहीं आप सब जाके आप रेस्ट करें, बुजुर्ग हो गई हैं अब, आपको क्या काम है जाने बाहर। ला ला बेबी, कॉपीराइट लग जाएगा तेरे को, लग से ना मैं, मुझे तो नहीं लगेगा तेरे लगे। क्या प्रॉब्लम है? हम जा रहे हैं, आओ इधर हम चले, आओ इधर हम चले, दादा अम्मी को नहीं लेके जाते हैं, हम चलते हैं। बाय बाय। आओ हनीमा, पास सुनो मेरी। क्या है ये? मैं ग्रीन टी खत्म हो गई है, प्लीज चाय तो बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? वो चाय मैं ग्रीन टी इसलिए पीती कि लीमू डाल के सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, वो पी रही थी, लेकिन वो चाय की क्रेविंग हो रही थोड़ा सर में, मजीद थोड़ा सा ठीक हो गया सर में। ये देखो मेरी आंख के मुंह से जो हुआ। हाँ जी, तो अभी जिस तरह से देखा मैं मम्मा को ऐसे बोला ही कि हम बाहर जा रहे हैं, बट हम जा कहीं भी नहीं रहे, कोई प्लान नहीं है। वो फिर इनको
इसलिए बोला कि मैं व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था इस टाइम, तो वो किस लिए किया हुआ था स्टार्ट थोड़ा करना पड़ता है यू नो। अब जो है उन्होंने बोला चाय बनाओ, अब चाय बनाते हुए मैं जो है थोड़ा सा कुछ चाय थोड़ी सी मैं चढ़ा दे, उसके बाद मैं अपनी कार्रवाई पर लगती हूँ, वो दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या करने वाली हूँ। सो दिल थाम के बैठिए, आपने घबराना नहीं है। हाँ जी, तो ये मैंने चाय जो है वो बनने के लिए चढ़ा दी है बिल्कुल हल्की सी आंच पे, और अभी जो है ये मेरे पास कलर है, रेड कलर पड़ा हुआ था, मैंने इसको देखा है तभी मेरे दिमाग में आइडिया है। अभी हम बनाते हैं इसको ब्लड का कलर, थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें, थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी या थोड़ा सा केचप भी बीच में कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, देखते हैं क्या बनता है किस तरह से बनता है। ये देखें, ये मैंने इस तरह से ये कलर लिया हुआ है। हाँ जी, तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसके अंदर पानी डाल के ना थोड़ा सा ये बना लिया है कलर का। अब मैं देखती हूँ कि क्या ये ठहरता भी है वाकई। रेड ब्लड लग रहा है, लग रहा है ना रेड ब्लड, बताओ तमीना जी? लग रहा है सच में जी, ये तो वाकई लग रहा है। हम कामयाब हो गए हैं इसमें, कुछ मुझे नहीं लगता और ऐड करने की जरूरत है, ये आप देख लें। अभी मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत मजे वाली है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा खासा कट लग गया है, अभी देखते हैं क्या बनता है। अम्मा से मुझे मार भी बहुत मजे वाली पड़ने वाली है। थोड़ा सा मैंने नाइन गुम प्लेट लगा लिया और थोड़ा सा जो है ये मैं फिंगर पर लगाने लगी हूँ। तो इधर मेरी बात सुनो, तुमने ना, मैं जैसे ये लगा रही हूँ ना, मैं बाहर आके एक्टिंग शुरू करूँगी, चीखें वगैरह मारूंगी, तुमने वो सोफे के पीछे चुप जाना है और वहाँ से कैप्चर करना है। मम्मा को वैसे पता तो है व्लॉग बना रहे हैं, अगर वो देख भी लेंगे तो खैर है, क्योंकि उनको पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ, उनको आइडिया नहीं होगा ये प्रैंक है कुछ भी है, पर अब देखते हैं प्रैंक हमारा सक्सेस हो जाता है या ख़राब हो जाता है, क्या होता है। क्योंकि ये ना मैंने थोड़ी देर लगाया, विद इन 30-40 seconds के बाद ना ये ऐसे ड्राई हो गया, मतलब वो फील हो रहा है ये वाकई कलर है। मेरे दोनों हाथ इस टाइम फुल भर चुके हैं, अभी मैं डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, कटनी मेरी कौन सी, फिंगर कटनी है या ये कटना है, हाथ भी लगा लेती हूँ ऐसे। चलो अब तुम जाओ जाओ। थोड़ी देर मैंने हाथ बंद रखा है, खून निकला पड़ा है यहाँ पे, सही ब्लड फील हो रहा है। इस तरह के प्रयास क्यों करता है? मैं करती हूँ। मेरा दिल क्या कर रहा है? रोना क्यों आ रहा है बाबू? रो क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं हुआ, देखा मैं तो प्रयास करी थी। कैसा लगा? मैंने कहा तेरे पूरा हाथ
कट गया ये देखो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। मामा दादा मामा दादा अच्छा इधर आओ मेरे से ना जरा कोई काम की एक्टिंग हुई है मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इतनी हंसी आ रही थी ऊपर से ये ब्लड ड्राई हो गया अगर ये थोड़ा रहता ना फिर मैंने थोड़ा कंटिन्यू करना मैं दादा से मजाक ना करना मेरा पूरा जिस्म आपको क्या लगा था वैसे मुझे क्या पता तुम क्या कर रही थी अभी बैठे पहले मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं एक ट्राइंग करूं हम बाहर भी नहीं जा रहे तेरे अंदर शैतान क्यों घुसा घुस जाता है यार ये तो सच में ये तो मेरा दिल कह रहा है तुम्हें मार डालो अब चपरा से रोक रही है मारे हम इनको से निकाल बिरयानी में जो हम डालते हैं कलर है ना फूड कलर वही क्या है दम मसाला चावल नहीं फट रहे इसने क्या लगाया पुप्पो ने दम वाला मसाला लगाया जान निकल जाए बाहर ने ऊपर थे दम मसाला बिरयानी वो देख के गए वो मेरे आधा गिरा के भी गए उधर शेल्फ पे पुप्पो ने दम मसाला लगाया पुप्पो को बोलो आपको शर्म नहीं आती हैरी को लगाओ आओ दम मसाला पुप्पो को बोलो आपको शर्म नहीं आती आपको शर्म नहीं आती नहीं आती आज वो दिन ऐसे बैठी हुई थी और वो डर दिखी अम्मा कहाँ हुआ है पुप्पो को कहाँ नहीं करो जरा वही नहीं करो गंदा ये देखो फर्क गंदा हो रहा है ये बात बता दूं कि ये मेरी अम्मा को बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं था वो आपको उनकी हालत देख के लग ही गया था वरना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे अच्छा आप छोटो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा कुट पड़ने वाली है बट वो तो देख के खुद ही रोना शुरू कर दिया बबो 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 को मां कर दो एक मिनट में एक बात तो प्रयास में से प्यार है अब मुझे नहीं पता चला रो क्यों रही थी ये मुझे कहती है कि ना आपको नहीं है नहीं है नहीं है फिर आप लोग बताएंगे मुझे इससे प्यार है भाई से प्यार है भाई के बच्चों से है मुझसे नहीं बिल्कुल भी नहीं है आप लोग देख तो दे मुझे कितना मारती हैं मैं ये बस यही कहती हूँ जब तुम्हारी औलाद होगी फिर पता चलेगा बच्चों में फर्क कैसे होते हैं फिर जब तुम्हारी होगी ना अब उठ जाए आपने रात यही गुजारनी है उठाएगा कौन मुझे बैठ गई वो दर्द है मुझे चेहरे से तो मैं उठ गई यार अब ये कलर मेरे हाथों से उतर जाएगा मेरी जिंदगी है इससे तो आप उठ गई कैसा लगा हैदर को मजा आया आज हैदर को मजा आया आज आज अम्मा आज आज ना काम चक्कर ना उठे दादा मैं उठाओ मेरा पोता ये देखो कैसे उठाता है ये मेरे पांव दबाता है मेरे गीत को करता है खींचो हां खींचो हाँ जी तो ये था हमारा आज का व्लॉग उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा प्रैंक था प्रैंक जो है वो मेरा प्रैंक वैसे बना नहीं क्योंकि मुझसे इतनी कोई खास एक्टिंग नहीं हुई मुझे ना हंसी आई जा रही थी पता नहीं क्यों बट जो भी था फन में ले लें आप इसको जो भी ले लें था बस मैंने ट्राई की कोशिश की करने की और ये देखें इनको इनकी अब सोने की तैयारी होगी आज आपको नींद आ जाएगी आज आपको नींद आ जाएगी पहले सर में दर्द था तो पूरे पूरे जिस्म में तब से ये देखो हालत तो ना बस बहुत खराब है ये मुझे आप सब बताएं कि आप लोगों की औलाद ऐसी है मुझे लाजमी बताइएगा
मेरी औलाद उनके औलाद में लोग नहीं है, साली गंदी औलाद, कोई मजा ना सवाद, ऐसी औलाद है मेरी। वैसे व्लॉग से हटके भी मैं आपके साथ प्रैंक करती रहती हूँ, करती हूँ ना। ऐसा प्रैंक नहीं करती, बोलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज कर दें बस। कल हाथ तो धो लें, आपने हाथ दिए थे कि मैंने हैंड वॉश कर लिए, लेकिन मेरे नेल्स में चला गया कलर, वो नहीं जा रहा, बाकी ठीक हो गए। हाँ तो ये हमारे चैनल को जरूर देखा करें, खूनी हाथ अपने पीछे रखें क्या करें, और तो को खुदा दा वास्ता है, अल्लाह दे वास्ता करो, पूरा बंदे बनो ते इको सब्सक्राइब ते इको सब्सक्राइब ना व्यूज दो। हाँ पूरी वीडियो ठीक करो, बंदे बनो, शर्म करो कुछ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।